गुड इवनिंग गाइस, आज मैं शाम से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वाइल प्रिपेयरिंग माई डिनर। चाय वगैरह सब हो गया है, किड्स आर प्लेइंग। आज बहुत दिनों बाद मैं उनको नीचे लेके गई थी, तो नीचे उन्होंने थोड़ा बहुत इंजॉय किया, बट चीकू स्टार्टेड क्राइंग क्योंकि उसको और खेलने का मन था। एंड वी गॉट हर इनसाइड बिकॉज बारिश हो रही थी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा डिनर का तैयारी हो रहा है यहाँ पे। आज डिनर में बनेगा पनीर, जिसको मैंने मैरिनेट कर लिया है यहाँ पे नमक हल्दी और रेड चिली पाउडर से। सो इसको यहाँ मैरिनेट करके रख दिया है। मीनवाइल मैं टमाटोज कट कर रही हूँ, ऑनियन वगैरह कट कर रही हूँ, तो आप सबसे मैं ये रेसिपी भी शेयर करूँगी। अभी ऑनियन कट कर रही हूँ इसलिए मेरे आँखों में वैसा रहा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नाउ। पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ 3 प्याज कट किया है, 3 प्याज लिया है, 2 टमाटर लिया है, 10 से 12 काजू लेना है हमें, और 10 लहसुन लिया है हमने, और छोटा सा अदरक लिया है। तो इस सबको मैं फ्राई करूँगी। मैंने यहाँ एक कढ़ाई चढ़ा दिया है और गैस ऑन कर दिया है। सो अब मैं यहाँ ऑयल डाल दूंगी, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है और ये तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया हमारा, सबसे पहले मैं यहाँ लहसुन डाल दूंगी और अदरक डाल दूंगी और इन दोनों को थोड़ी देर के लिए फ्राई होने दूंगी। मैं यहाँ प्याज डालने वाली हूँ, तो 3 प्याज जो मैंने कट किया था वो डाल देंगे हम लोग। उसके बाद मैं यहाँ टमाटर डालने वाली हूँ, 2 टमाटर इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसमें, और यहाँ पे मैंने 12 काजू लिया हुआ है, तो वो 12 काजू को भी मैं काफ़ी साथ डाल दूँगी और इसको मिलके फ्राई कर देंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत क्रीमी बनेगा हमारा जो ग्रेवी है। तो इसको अच्छे से 3 मिनट तक हम लोग 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम। आ गए हैं डुगू खाना बनाने के लिए। खाना बनाने में मेरी हेल्प करता है ये, स्पेशली डिनर। तो गाइस ये पक गया है हमारा, कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब मैं इसको निकाल दूँगी और जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता तब तक इसको हम लोग ग्राइंड नहीं करेंगे। तो ये हो चुका है, इसको मैं अब निकाल दूंगी। अब ये सेम कढ़ाई में मैं थोड़ा और तेल दे दूंगी। और ये पनीर जिसको हमने नमक हल्दी और मिर्ची पाउडर से कोट किया था, अब इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमें, नहीं तो हमारा पनीर जो है हार्ड हो जाएगा। बस 1 ही मिनट तक फ्राई करना है इसको। तो बस अब मैं इसको निकाल लूँगी, ज़्यादा फ्राई मैंने बोला था नहीं करना है क्योंकि ये हार्ड हो जाएगा। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब जबकि ये हमारा मसाला ठंडा हो गया है, मैं इसको एक ब्लेंडिंग जार में डालूंगी और इसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। याद रखें कि इसमें हमें पानी नहीं डालना है, अगर ज़रूरत पड़े आप थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट काफ़ी मॉइस्चर रहता है और ये टमाटर और ऑनियन में, इसीलिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। तो जो पनीर को हमने फ्राई किया था वो ऑयल बचा हुआ है यहाँ पे, अब मैं बस 1 चम्मच घी डालूँगी, इससे हमारा जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा, स्मेल अच्छा आएगा। तो 1 चम्मच घी डाल दिया मैंने। सो अब हमारा तेल जो है गर्म हो गया है। सबसे पहले मैं यहाँ तेज पत्ता डालूंगी, सो 2 तेज पत्ता डाल दिया है, छोटा सा सिनेमन स्टिक यूज़ करेंगे हमने, और उसके बाद मैं यहाँ 2 इलायची का इस्तेमाल करने जा रही हूँ और थोड़ा सा जीरा दे देंगे हम लोग और इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। अब जो है ये हमारा फ्राई हो चुका है, मैं थोड़ी देर के लिए गैस ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा होने दूंगी। सो गैस ऑफ इसलिए किया था मैंने क्योंकि यहाँ मुझे हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालना है, तो इससे क्या होगा, कलर हमारा अच्छा आएगा। अगर हल्दी और लाल मिर्च पाउडर हम लोग गर्म तेल में डालते हैं तो वो बहुत जल्दी जल जाता है, तो इसीलिए हम लोग गैस ऑफ करके तेल को थोड़ा ठंडा करके फिर करते हैं। अब इसको अच्छे से हम लोग मिला देंगे। अभी तक गैस को ऑन नहीं किया है मैंने। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये मसाला जो हमने ग्राइंड करके रखा था, बहुत थिन पेस्ट बनाना है। अब इसको हम लोग मिला देंगे अच्छे से। याद रखें कि गैस को अभी तक ऑन नहीं किया है मैंने, मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है यहाँ पे। अब मैं गैस ऑन कर दूंगी और लो फ्लेम पे कर देंगे हम लोग इसको बिल्कुल। अब इसको हम लोग लो फ्लेम में ढक के 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे।
3 से 4 मिनट हो गया है, भुनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा हमारा मसाला। अब मैं इसमें कुछ और मसाले डालने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ डालूँगी धनिया पाउडर, के बाद हम डालेंगे जीरा पाउडर। हुआ जीरा का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप नॉर्मल वाला यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी और इसको हम लोग मिला देंगे अच्छे से और इसको ढक के 1 मिनट तक पका लेंगे। मसाला हमारा भुन गया है, मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ। तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ डालूँगी नमक, नमक डाल दूँगी और उसके बाद इसे मिला देंगे हम लोग अच्छे से और ग्रेवी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सो थोड़ा उबलने लगा है हमारा ये ग्रेवी, मैं इसमें ये पनीर डाल दूँगी और गैस का फ्लेम लो करके हम लोग 5 मिनट तक इसको सिमर होने के लिए रख देंगे। सो ये हमारा पनीर का सब्जी बनके तैयार है। तो ग्रेवी भी देखिए अब थिक हो गई है। तो अब लास्ट में मैं इसमें डालने वाली हूँ कसूरी मेथी। हाथों में लेके हम लोग इसको क्रश करके थोड़ा सा डाल देंगे एंड दैट्स इट। गैस ऑफ कर देंगे एंड हमारा पनीर का सब्जी बनके तैयार है। तो अभी बज गए हैं 8:30 और डिनर बनते ही सबसे पहले मैं डिनर कर लेती हूँ, इसलिए क्योंकि उसके बाद मुझे बच्चों को खिलाना होता है। मतलब 2 घंटे का गैप रखती हूँ सो दैट मेरा खाना भी डाइजेस्ट हो जाए। तो आज डिनर में मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई है एंड दिस इज़ कड़ी पकौड़ी जो मैंने दिन में बनाया था एंड 2 चपातीज़। तो यूजुअली यही होता है मेरा डिनर एंड मैं कोशिश करती हूँ 8:30 तक मैं डिनर कर लूँ। सो राइट नाउ इट्स 8:30 एंड मैं अपने डिनर। अब होगा डुगू का मसाज टाइम, दिस इज़ हिज नाइट टाइम रूटीन स्टार्टिंग। सो दिस इज़ द ऑयल दैट आई यूज़ फॉर हिज बॉडी एंड दिस इज़ वॉट आई यूज़ फॉर हिज हेयर। तो ये मसाज मैं डेली करती हूँ उसको। सो इट्स हिज मसाज टाइम नाउ। मसाज के बाद इट्स टाइम फॉर चिकूस मसाज एंड द सेम ऑयल फॉर हर। सो बट समटाइम्स ऐसा होता है कि इसका मसाज डेली नहीं होता है, ट्वाइस और थ्राइस मिस भी हो जाता है बिकॉज ये ऐसा वाला बदमाशी करती है। बट आई एम गोना गेट हर बैक एंड मसाज करता है। चिकू डोंट रन अवे। डुगू का डिनर बनाने के लिए, तो डिनर में डुगू हमेशा रोटी और दूध लेता है तो ये आधा रोटी देती हूँ मैं उसको और इसका ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैं इसको हाथ से ही ये कर देती हूँ और मैं एक मिक्सी के जार में ले लेती हूँ उसको और उसमें मैं डालती हूँ मिल्क। उसमें मैं थोड़ा सा मिल्क डालूँगी एंड थोड़ा सा शुगर देती हूँ, बहुत कम। सो दिस इज डुगू'स फूड एंड डुगू इज हियर। सो इसको डिस्ट्रैक्शन फीडिंग करना पड़ता है, ही विल बी वॉचिंग टीवी और मैं इसको खिला दूंगी। ये रहा चिकू का डिनर। चिकू वही खाती है जो हम लोग खाते हैं, जैसे कि मैं उसके रोटी में घी लगा देती हूँ टू मेक इट लिटिल हेल्दी। एंड हियर चिकू इज, शी इज गोना सिट एंड हैव अ डिनर। खाओ खाओ चिकू, इट्स खाओ खाओ टाइम, लेट्स सिट। तो डिनर के बाद बच्चे कुछ इस तरह खेलते हैं और चिकू ने ठीक से खाना नहीं खाया तो उसको मैं थोड़ा सा मिल्क दे दूंगी, विच आई गिव लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद दूंगी मैं उसको। एंड मीनवाइल मेरा जो काम है इज़ दिस डिशेस, इन सबको अभी धो के हटा देना है मुझे एंड आई हैव टू क्लीन दिस किचन एंड द क्लीन अप थिंग ऑफ द टॉयज आउट देयर, तो वो करना है। बाद रहेगा मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट। मॉर्निंग रूटीन और इवनिंग का जो काम होता है द बिजिएस्ट एंड राइट नाउ दैट मैं सब कुछ खुद से कर रही हूँ इट्स मोर हैक्टिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनली द क्लीन अप इज डन एंड हियर आर द टॉयज, सब कुछ हो गया यहाँ पे एंड कमिंग ऑन टू द किचन, इट्स ऑल क्लीन सो इट्स ऑल सॉर्टेड। I'm going to do the final thing that is face wash. उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस
पॉन्ड्स का फेस वॉश टुडे, दिस इज़ द मिनरल क्ले फेस वॉश, करंटली आई एम यूजिंग दिस एट नाइट, सो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू डू। मैं यूज़ करने जा रही हूँ टोनर विच इज़ फ्रॉम प्लम, सो आई विल टेक अ लिटिल बिट इन माय हैंड एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट। मैं लगाने जा रही हूँ लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर, सो देन आई टेक दिस बेबी लिप का लिप ग्लोस। Done with my night time skincare routine. So this is our evening routine, guys. इतना ही रहता है बच्चों के साथ ये सब कुछ है। Now it's time for me to change and बच्चों को सुलाना, so that is what we do. It is going to take me about 15 to 20 minutes to make them sleep. So this is how it is. चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। होप आप सबको ये पसंद आया हो मेरा इवनिंग रूटीन, व्हाट आई डू इवनिंग टू नाइट तक, हमारा खाना पीना ये सब कुछ था। सो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, बाय बाय गाइस, गुड नाइट एंड टेक केयर।